सृजन के उद्देश्य से नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अहम मुद्दों पर 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। वृंदावन नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और नए पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन सृजन करना था। वहीं इस मौके पर मथुरा वृंदावन विधान परिषद के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर मौजूद रहे। पूर्व विधायक ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश के अनुसार कांग्रेस कमेटी पंचायत ब्लॉक वार्ड स्तर पर संगठन सृजन का कार्य कर रही है, जिसमें नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इस मौके पर वृंदावन नगर कांग्रेस कमेटी के सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नूतन बिहारी पारिक को वृंदावन नगर कांग्रेस कमेटी का पुनः अध्यक्ष घोषित किया गया। वृंदावन में मौजूद 9 वार्डों में टीम का गठन किया गया। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और नए पुराने सभी साथियों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। मनोज अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और मथुरा जनपद प्रभारी। ये आज वृंदावन में कांग्रेस की बैठक रखी गई है, क्या उद्देश्य है बैठक में? पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी, जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके निर्देश पर, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य है संगठन का पुनः गठन करना, वार्ड, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अधिक नए पुराने कांग्रेसियों का गठजोड़ करके संगठन को मजबूत करना, क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनावी वर्ष है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम संगठन का एक तरीके से पुनर्गठन कर रहे हैं। आज इसी तरीके से नूतन बिहारी पारिक जी को जो पुनः अध्यक्ष वृंदावन का बनाया गया है, तो उसके लिए उद्देश्य के तहत यहाँ कार्यक्रम है। और दूसरा, यहाँ वार्ड के गठन के लिए, पुनः वार्ड की कार्यकारिणी गठन करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। जी विधायक जी, आज वृंदावन में बैठक रखी गई है कांग्रेस की, किस अभियान से रखी गई? हमारी पार्टी का उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रियंका जी के निर्देशन पर संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसमें कि ब्लॉक लेवल से न्याय पंचायत लेवल पे, ग्राम स्तर पे, शहरों में वार्ड स्तर पे और नगर इकाई के स्तर पर सब जगह संगठन का सृजन किया जा रहा है और उसी के अनुसार और उसी के अंतर्गत ये वृंदावन में एक बैठक बुलाई गई है। अभी हमारे श्री नूतन बिहारी पारिक जी अधिकृत अध्यक्ष घोषित हुए हैं नगर इकाई वृंदावन के, और आज उसी के संदर्भ में बैठक है। आपने देखा होगा सारे वरिष्ठ लोग और यहाँ के युवा वर्ग इस बैठक में उपस्थित हैं, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित सिंह जी हमारे साथ हैं, और संगठन पहले से ही काफी मजबूत है इस इलाके का, वृंदावन का। मैं समझता हूं कि इसमें और तराशने की जरूरत है और उसी को तराशने के लिए आज तमाम कट्टर कांग्रेसियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें परिचर्चा होगी कि 9 वार्डों में किस तरह से गठन किया जाए जल्दी से जल्दी, और किस तरह से कुंद पड़े हथियारों पर धार दी जाए, जिससे कि सांप्रदायिक ताकतों को और अलगाववादी ताकतों को, जो कि माहौल बिगाड़ने में लगी रहती हैं, उनसे मुकाबला किया जा सके। और हम अपनी नेता प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करके कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। चुनावी वर्ष है तो इसलिए हम सब लोगों को और सजग रहना पड़ेगा, और उसी के अंतर्गत अब हम सभी कार्यकर्ताओं को एक तरह का, प्रियंका जी स्वयं इस मामले को मॉनिटर कर रही हैं कि हर कार्यकर्ता को तरजीह मिले और उस समय एक ऊर्जा का संचार कराया जा सके, नए लोगों को जोड़ा जाए और एक नया सृजन करके नए कलेवर के साथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जाए।